और कंपटीशन हमको जब क्वालिफाई करना है तो एटलीस्ट यू नो हाउ टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन विद दैट ट्रिक। इस क्वेश्चन को तुमको ट्रिक से ही सॉल्व करना होगा ताकि जल्दी हो जाए। तो देखा जाए, ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं इस क्वेश्चन को। ₹1200 का 10% कौन सा ब्याज है? चक्रवृद्धि ब्याज। वैसा कौन कौन है जो इसको नहीं बना पाएगा क्लास में? अच्छा, जो जो बना पाएगा हाथ उठाओ, चूंकि पढ़ा चुके हैं ऑलरेडी। ऑलरेडी इस क्वेश्चन को पढ़ा दिए हैं, तुम था भी क्लास में। तो बड़ा हाथ उठाओ, ऐसे कैसे किए होंगे? एकदम आएगा तभी हाथ उठाना बेटा, हाँ, डाउट में नहीं, क्योंकि जिसको नहीं आएगा उसे अलग से बात कर लेंगे। बड़ा पीछे बढ़ गया हीरो, तीनों को बोले ना एक साथ, सुबह नहीं आया था क्या? हाँ ठीक है, हाथ नीचे करो। करीब करीब सबको आ रहा है, एक दो लोग जो नया है उनको नहीं आ रहा है। तो एक बार हम मेथड बता देते हैं, गाल पे हाथ मत रखो, एक बार मेथड बता देते हैं और फिर हम लोग आज ट्रिक की बात करेंगे। ऑलरेडी पढ़ा दिए हैं और ये ट्रिक सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो भी आजकल कंपटीशन में क्वेश्चन आ रहा है SSC में खास करके, वो सब उसी ट्रिक पर बेस्ड है। परसेंट में पढ़ते हूँ, कह रहा है ₹1200 का 10% वार्षिक ब्याज। अच्छा, 12,000 का 10% वार्षिक ब्याज है। जरा देखते हैं हम लोग, अगर ₹1000 है, जिसे पूछेंगे वही बोलेगा, ₹1000 है, इस पर अगर 10% इंटरेस्ट दिया जाए तो कितना होगा? पीछे से लड़कियां बताएगी, लास्ट बेंच कितना होगा बेटा? हाँ, तुम्हारे पीछे और कोई नहीं है, ठीक ना? तो पीछे से बोलेंगे तुम ही हो गई, तुम बोलो कितना होगा, तो गलती बोली है। हाँ, 110 होगा, सही बोल रही है ये। हाँ कितना होगा? 110 कितना होगा? ये 1 ईयर के लिए ही है, ये 2 ईयर नहीं लिखा हुआ है, ये 1 ईयर के लिए है। तो कितना होगा, कितना होगा? 110 कहाँ से आ गया बेटा? वो एकदम सही बोली थी नई लड़की। इसका निकालेंगे 10% बटा में 100 करेंगे, कितना आएगा? 100। इसमें 110 कहाँ से आ गया? क्या सिंपल था कि नहीं था? एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाओ यार, एक्स्ट्रा दिमाग अप्लाई मत करो इस क्वेश्चन को, भुला जाओ, रुक जाओ, उसको भुलाने के बाद और तरीका है। गायब हो गया क्वेश्चन, जाओ जानते हैं हम, कर दिया तो गायब हो गया, फिर ला देंगे इसको थोड़ी देर के बाद, ठीक है? मान लो ₹1200, जिससे पूछेंगे वही बोलेगा, 12,000 नहीं लिखे हैं, ठीक ना, ₹1200 है। इसका अगर 10% निकालेंगे तो लास्ट बेंच की लड़की बताएगी क्या होगा? हाँ, 120 गलत, क्या होगा, क्या होगा? सेकंड बेंच 120 ही होगा। चलो, हम झूठ मूठ का गलत बोलते हैं ताकि देखें कि बगल वाला का रिप्लाई क्या आता है। जैसे ही बोल देंगे गलत तो कुछ ना कुछ चेंज करेगी उसको, जैसे पिछले बार चेंज कर दी थी। तो कितना हो जाएगा? 120। इसमें तो कहीं कुछ दिमाग का काम नहीं है, ठीक है? और यहाँ देखो एक बार, वही ₹1200 था, 10% ब्याज था, ठीक है? अगर हम कहते कि 2 साल में कितना होगा, तो फिर इस बार बताएगी तुम कितना होगा 2 साल में? 1 साल का वहां लिखा हुआ है, 2 साल में कितना होगा? हाँ, 240, ठीक है? किसी को डाउट इसमें है? इतना तुमको आता है, यानी कि तुमको कंपाउंड इंटरेस्ट पूरा आता है, खाली मन में खाली डर है और कुछ नहीं है उसमें, इतना ही बात है। इसी को अगर हम दोगुना कर देते तो कितना हो जाता? 240, एकदम सही है। अब इसी बात को हम लोग ट्रिक तो नहीं कहेंगे, चूंकि मेरा पढ़ाने का तरीका ही वही है, उस ढंग से बनाते हैं। ये ₹1200 था, अगर हम कहेंगे कि ये तुम्हारा
ब्याज निकला, एक साल का ब्याज कितना निकला हम लोगों का, 120 ब्याज निकला, ठीक है। और हम कहेंगे ब्याज नहीं, अमाउंट बताइए, अमाउंट मतलब मूलधन जोड़ ब्याज, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ठीक है। ये सारा फॉर्मूला ऊपर दिया हुआ है, ऐसा नहीं कुछ आसमान से टपक गया है, सब बात यहाँ लिखा हुआ है, सब बात, इंटरेस्ट क्या होता है, प्रिंसिपल क्या होता है, सब बात लिखा हुआ, बच्चा वाला चीज वो सब है। अब तो आएगा नहीं लगता है, अच्छा 14 था ना तब आएगा, हाँ हाँ आएगा, ठीक है। अब यदि कहा जाए कि अमाउंट क्या होगा, अमाउंट मतलब क्या होता है, मिश्र धन, मिश्र धन का मतलब क्या होता है, पी प्लस एस आई या सी आई मतलब ब्याज, ठीक है। मूलधन में जब हम ब्याज जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा, इसमें तो किसी को डाउट नहीं होगा। मूलधन में जब अमाउंट जोड़ देंगे एस आई या सी आई कोई ब्याज, तो क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा, यहां तक ठीक है। तो अब देखो अगर अमाउंट पूछा जाएगा इस क्वेश्चन का, तो अमाउंट कितना होगा, 1200 प्लस 120, ठीक है, इतना में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यहां अगर पूछा जाए कि यहां पर अमाउंट क्या होगा, तो क्या करेंगे, 240 को यहां जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1440, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब देखना इसी अमाउंट को जोड़ना नहीं पड़े, सीधे निकल जाए, तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो 10% है, ये जो P है ना, ये हमेशा 100% होता है। P क्या होता है, हमेशा 100%, P मतलब प्रिंसिपल मूलधन, ठीक है, P हमेशा क्या होता है, 100%। इसमें 10% का ब्याज मिला, यानी कितना हो गया वो, 110। ये है तुम्हारा P और ये है तुम्हारा मान लो कि SI है, ठीक है। तो क्या हो गया, P और SI मिलाकर क्या हो जाता है, अमाउंट, तो इसका अमाउंट हो जाएगा 110%, क्या हो जाएगा अमाउंट, 110%। अब 1200 था, 1200 का सीधे निकाल लो, 110% कितना आ जाएगा, 1320। अब क्या होगा, इसमें जोड़ जाड़ नहीं करना पड़ रहा है, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, तो ऐसे से करो, लास्ट में तुम्हारा क्लियर हुआ, डाउट है तुरंत पूछो, ही नहीं कि आगे बढ़ जाएंगे तो फिर बैक आने में दिक्कत होगा। अगर डाउट अगर नहीं है तो ऐसे से करो बेटा, ऐसे करो, ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं, आराम से पूरा हिलाओ, पूरा हिलाओ, गर्दन हिलाना नहीं आ रहा है क्या, ऐसे से करो, ये एक स्थाई एक्ट है एनएससी का, करो ऐसे से, ऐसे से करो, हाथ नीचे कर लो, ऐसे से करो, कुछ लोग का पूरा नहीं हिल रहा है, कुछ लोग हम बोल रहे हैं कि ऐसे हिलाओ, तो हिला कैसे रहा, ऐसे हिला, ये तो नहीं चलेगा, तो ना वाला हो गया ना, ऐसे से नहीं करना, हम बोले ऐसे से करने के लिए आराम से, ठीक है। आगे कुछ लड़कियां उस टाइप कर रही है, गर्दन नहीं हिलता है क्या, चलो ठीक है, यहाँ तक। अगर मान लेते हैं कि इसको करते हैं, अगर हम लोग अमाउंट निकालेंगे, डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ये देखो अगर 100% है और ये कितना है, 20%, यानी कि ये हो गया P, ये हो गया हमारा मान लो कि SI माने इंटरेस्ट, तो कितना हो जाएगा, 120%। तो 1200 का लिखेंगे हम लोग 120%, देखो परसेंट है तो ये 0 0 कट जाएगा, 12 दूनी 24, 12 कहीं 12 और 2, इतना आ गया ना, यही चीज आया होगा, पहले जोड़े होंगे हम लोग तो कहाँ जोड़े थे, मिटा दिए का, यहाँ ऊपर जोड़े हुए हैं, ठीक है। यहां तक किसी को डाउट है, डाउट है बेटा, रोहित क्लास का मजेदार चीज क्या है, हाथ तुमको रखना है डेस्क पे, हाथ ऊपर बार बार मत लाओ, कल कहे थे ना बेटा कि शर्ट पहन के आ गए, क्या पहन के आ गया, शर्ट नहीं तुम्हारे पास, शर्ट नहीं है, हाँ खरीद लेता, पिताजी से बोल देता, अरे आजकल इसका जमाना है, आज शर्ट खरीद लेना, बदमाशी नहीं, पिताजी ऑफिसर हैं, 20 को शर्ट खरीद सकते,
और हम तो कसम खाए हैं कि उनसे बड़ा अफसर बनना है तुमको, बशर्ते कि तुम थोड़ा मेरा सहयोग कर दो। देखो इस बार है कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, ब्याज पर ब्याज होता है। ये 12,000 है, इस पर मिला 10% इंटरेस्ट, तो कितना लिखेंगे, 110 लिख दें, छोटू लिख दें, तो एक साल का हो गया 110%, दो साल का, इसी को एक बार और लिख देंगे, जो आएगा वो क्या निकलेगा, अमाउंट निकलेगा, आंसर नहीं, जो आएगा ये पी है और ये क्या है, ये अमाउंट है, ये क्या है, अमाउंट है, तो निकलेगा क्या यहाँ पर, अमाउंट, और हमको ब्याज पूछा है ना, ठीक है, तो हमको पूछा क्या है, ब्याज, यानी कि जो आंसर निकलेगा उसमें से पी को घटाना होगा तब जाकर आंसर निकलेगा, ठीक है, कोई डाउट है, हाँ डाउट है, हाँ बोलो कहाँ पर, तुम इधर बैठ जाओ, इसको इधर बैठाओ। देखो अगर तुमको डाउट नहीं है तो क्लास में बैठने का एक कंडीशन और है, तो ऐसे बैठो, थोड़ा खुश होकर बैठो, ऐसे करो, दांत दिखाओ, दांत दिखाओ, ऊपर के दांत दिखाना है, ऐसे नहीं, ऊपर का दांत दिखाना है, ऐसे हंसते का, जैसे कैसे बोलता है, फोटो खींचा सेल्फी, ऐसे करता है ना, वो वाला दांत चाहिए, हो गया, अब तुम जैसे ही ऐसे करोगे ना तो हम समझ जाएंगे इसको नहीं बुझाया, दोबारा बोल देंगे, तुमको पूछना भी नहीं पड़ेगा, हम दोबारा बोल देंगे, मगर चेहरा खिला रहेगा तब ना, जब समझा रहे हैं तब पर भी समझ आया, ऐसे किया तो कहाँ बुझाएगा हमको, उसको बुझाया कि नहीं बुझाया, बल्ब अगर जल रहा है फ्यूज होगा था ना, बोल देंगे दोबारा, तो बल्ब जला के रखो, पूरा हंसो, थोड़ा हंसो, एक बार पूरा क्लास हंसो, तो हंसो हंसो आवाज़ निकाल के, आवाज़ निकाल के, एक तो ऐसे हंस रहा है भाई, अरे पूरा दिन खोल के हंसो भाई, हंसना भी है, वाह अब तो मेरे पास कार बंगला सब कुछ रहेगा, खुशी की बात नहीं है ये, अगर आ जाएगा तो दुनिया का सब खुशी तुमको मिलेगा, इतना ही है, तो इसके लिए हमको खुश रहना है, मुंह लटका के नहीं रहना, नहीं सर जी मेरा मुंह ऐसा है, अरे ब्रायन लारा तेरा ज़्यादा मुँह खराब है, ब्रायन लारा को देखा है कोई, नहीं देखिए पागल है, कौन कौन नहीं देखा है ब्रायन लारा को, अरे वाह, और ढेर लोग नहीं देखा है, कोई बात नहीं, बॉयज देखा है कि नहीं देखा है, अच्छा तुम देखा है जी, बताओ ब्रायन लारा कौन है, हाँ क्या है, कौन है जी, खड़ा जा, खड़ा जा, खड़ा, देखो एक सेकंड, ठीक है छोटे बच्चे नहीं जान रहे होंगे क्योंकि वो खेलना तभी छोड़ दिया था, मगर और कुछ कुछ हो गया है, ब्रायन लारा एक क्रिकेट प्लेयर है, कहाँ का है बाबू बता रहा है, वेस्ट इंडीज का, बहुत बड़ा स्ट्राइकर था, कोई देगा सीधे छक्का, कोई बॉलिंग पे आएगा सीधे छक्का, बैठ जाओ, ठीक है, आईपीएल में कितना छक्का मारा आके, हम लोग का देश में कितना मैच खेलने आया, अब उसका चेहरा याद करो, चेहरा याद हो गया, एकदम काला कलूटा, माने ओकरा के ना देखनी कोयला देखनी बात बराबर बात, बुझा गया, भोजपुरी, रोहित तो भोजपुरी नहीं समझता है ना, भोजपुरी नहीं समझता है ना, कोयला बुझाया, कोयला देखा है कभी, उससे ज़्यादा काला, ठीक है, और बाल भी रखने का इतना बड़ा बड़ा, अब पूरा ऐसे से करता रहेगा, जो भी हो, शादी किसे क्या पता है, शादी किया इंडियन सबसे खूबसूरत हीरोइन दीप्ति नवल से, ये तुम्हारे काम का बात है, समझ में आया, ठीक है तुम नहीं जानते हो मगर हम बता दिए ना जी, कि जिसने उसने शादी की, लव मैरिज, ठीक है, जिसने उसने शादी की वो कौन थी, इंडिया की सबसे खूबसूरत हीरोइन, उसका फोटो गूगल करके देख लेना, दीप्ति नवल शादी किया उसने, मेरा इशारा यही है कि काला गोरा से कोई मतलब नहीं है, आर यू समझिंग माई पॉइंट, मैंने वो एग्जाम्पल क्यों लिया, काला गोरा से मतलब नहीं है बेटा, किसी का नाक टेढ़ा है, किसी का ये थोड़ा बढ़ा है, किसी का दांत निकला हुआ है, किसी का अंदर है, इससे क्या मतलब है, मतलब तुम्हारे से पर्सनालिटी से है, अगर मेरा नाक छोटा है तो मेरा भी इसमें दोष है क्या, भगवान का दिया हुआ है, अगर हम काले हैं जैसे मेरा दोष है, मेरे यहाँ से वो आँख नहीं है जैसे मेरा दोष है, ये तो ईश्वर की कृपा है, हमको जैसा भेजा, अब अगर हम जो कर रहे हैं, जैसे ब्रायन लारा काला होते हुए भी दीप्ति नवल तक को पोट लिया, तुम्हें को मच्छर नहीं पटा पाया, बोला सर जी प्रयास तो कर रहे हैं, प्रयास कर समझने का, है ना, अपने आप लोग पट जाएगा, इस समझने का प्रयास करेगा पूरा दुनिया तुमसे पट जाएगा, ठीक ना,
तो हम ये बात सॉरी ये बात इसलिए बोले क्योंकि दो तीन यहाँ पर हैं बच्चे ऐसे, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, तो खोज लो कौन है ऐसा बैठा हुआ चला रहा है ना कि कुकुर मार के आया है। थोड़ा हंसो यार, थोड़ा इंजॉय करो, बोर कर रहे हैं तुमको कि अभी तक पढ़ाना स्टार्ट नहीं किए, अभी तक तो हम पढ़ाना स्टार्ट नहीं किए हैं, अभी तो उस क्वेश्चन के अंदर ही जा रहे हैं जो कि ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। ठीक है, तो ये वाला क्या हुआ, ये एक साल का ब्याज हुआ, ब्याज और अमाउंट माने इंटरेस्ट मिलाकर ये हो गया सेकंड साल का। इसको जब काट कूट करेंगे तो क्या आएगा, अमाउंट आएगा, क्या आएगा, अमाउंट आएगा। और जो भी ये अमाउंट आएगा उसमें हम लोग इंटरेस्ट को घटा देंगे, मान लो कि एसआई है चाहे जो भी है, इंटरेस्ट लिखते हैं, इंटरेस्ट को घटा देंगे तब सॉरी क्या घटाएंगे, सॉरी हाँ हमको तो निकालना है। अच्छा अगर मान लो इंटरेस्ट घटाते तो क्या निकलता, प्रिंसिपल, क्या निकल जाता, प्रिंसिपल। लेकिन यहाँ निकालना क्या है, इंटरेस्ट, तो क्या घटा देंगे, पी घटा देंगे, तो क्या निकल जाएगा, प्रिंसिपल। तो ऐसे जब बनाते हैं तो इतना ही करना पड़ता है हमको, ऐसे जब बनाते हैं तो इतना ही करना पड़ता है। कितने इसका आंसर आ रहा है बोलो, 2520। इसको निकालने के बाद 2520 इसमें जोड़ दो, आता होगा कितना, 14520। ठीक है, ये अमाउंट आता होगा, इसमें से तुमने 12000 घटाया तो कितना आ गया, 2520। ये हो गया तरीका। इतना में किसी को डाउट है, नए बच्चों को लिखना नहीं है बेटा, सब मिलेगा वीडियो, तुमको वीडियो ऑन कर दिए हैं, भूले भी नहीं। हाँ बोलो, हाँ यहाँ देख लो, ये है तुम्हारा पूरा मिलाकर क्या हुआ, अमाउंट, अमाउंट। और उसमें से अगर हम लोग प्रिंसिपल को यानी कि 12 घटा देंगे तो जो आएगा वही क्या हो जाएगा हम लोग का, ब्याज, इंटरेस्ट। वही तो यहाँ पर टिक मारा हुआ, यहाँ बैठो, यहाँ तो बैठो, सुनाई नहीं दे रहा है, यहाँ 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 बैठा दो, थर्ड बेंच पे उसको, ये बढ़ जाओ। 110 कहाँ से आया, ये अपने आप में कितना था, 100%। ये कितना था, 100%। एक बार सबसे बोलो, एवरीथिंग ऑफ दिस वर्ल्ड इज इटसेल्फ, दुनिया का सब कुछ अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। दुनिया का सब कुछ अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। दुनिया का सब कुछ अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। तेरा उम्र कितना है, 100%, 15 नहीं, कितना उम्र है, 15%। तुम्हारा उम्र कितना है, अब मेरा कितना है, यानी कि इसका भी एज मेरा 56, इसका भी 56 हो गए क्या, क्योंकि जो बात हम बोले वही बात ही बोली, मगर परसेंटेज में यही बोलते हैं, अपने आप में, इट्सेल्फ अपने आप में होगा। तो ये है 100%। बोलता है 10% ब्याज दिया तो एक साल का प्रॉफिट कितना हुआ, 10%। तो पहला अमाउंट कितना हो जाएगा, 110। अगर 20% प्रॉफिट होगा तो कितना हो जाएगा, 120। अगर 40% होगा तो कितना हो जाएगा, 140। अगर 10% लॉस हो जाएगा तो कितना होगा, समझा गया, कहाँ से आए, अपने घर से नहीं लाए थे। लेकिन नहीं नहीं सर जी, अचानक ऊपर से नीचे उतरी 10 लेके कहाँ से लिख दिए, बताइए क्लियर हो गया। तो इस तरह से ये बना, इसमें दिक्कत कहाँ हुआ हम लोगों को, थोड़ा सोचो दिक्कत कहाँ हुआ, तो इसी को काटने में दिक्कत हो रहा था। काटते कैसे हैं, थोड़ा काटते हैं एक बार तुम्हारे सामने, यही है काटेंगे तो ये जीरो कट गया, ठीक है, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो कट गया, तो 11 का रहा 121, यहाँ बचा हुआ है 120। अब इसको गुना करेंगे तो आंसर आएगा, तो गुना करते हैं हम लोग, 12 का 12 12 2 24, इन्हें जोड़ दिए, 12 का 12 और 2 14, कितना आ गया, 14520। ये 12000 था, इतना काम किए तो आंसर आया। हमारे पास एक चार्ट है जिसमें न घटाना है न जोड़ना है, कुछ नहीं करना है, चार्ट से देखे, आंसर लिखे, गुना कर दिए, ठीक है। अभी तो ये थोड़ा इजी है क्योंकि 2 ही 2 है, अगर ये 3 को हो जाए तब गुना करने में नान याद आ जाएगी, अगर मान लो कि 4 को हो जाए आपकी पर नानी याद आ जाएगी, गुना करते करते 2 को भुला जाएगा, कुछ गलती हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास एक चार्ट है, करना कुछ नहीं है,
ट्रिक स्टार्ट कर दिए, ठीक ना, करना कुछ नहीं है। यहाँ पर 12,000 दिया हुआ है, 12,000 लिखा, पूछा क्या है इंटरेस्ट कितना होगा, 10% का, 2 साल का, हमको चार्ट देख कर उसका वैल्यू याद है, कितना होता है 21%, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, 12 दूनी 24 और 1 25, और नीचे 100 है ना, दिस इज द आंसर। कितना देर लगेगा इतना करने में? अगर तुमको पता लग जाए कि हाउ यू गेट दैट 21, इफ यू नो हाउ टू गेट दैट 21, देन इट इज क्वाइट इजी फॉर यू टू गेट द आंसर। यू ओनली मल्टीप्लाई, एंड इफ यू डोंट नो मल्टीप्लाई देन गो थ्रू द बॉडी मास, ब्रेन टॉनिक। ब्रेन टॉनिक का 1 सेट 3 बार डेली बनाना है, 1 सेट 3 बार, सो दैट कि तुम्हारा दिमाग थोड़ा खुल जाए। और 1 साल में, नए बच्चे ध्यान देना, तुम्हारे बच्चे को बोल रहे हैं, 1 साल में कम से कम 20 बनवाना है ब्रेन टॉनिक को। 2 साल का चार्ट का फॉर्मूला है 21, गाल पे हाथ मत रखो गलती से भी। 2 साल का चार्ट निकालने का फॉर्मूला क्या है? 21, याद हो गया? 2 साल के चार्ट को निकालने का फॉर्मूला क्या है? 21। मान लो कि यहाँ निकालना है 2% का, 3% का, 4% का, 5% का और 10% का, 10 तक चार्ट में लिखा हुआ है। हाथ को नीचे रखो, हाथ को मुंह में, नाक में, कान में मत घुसड़ दो, घुस जाएगा पूरा अंगुरिया, तब पिताजी तेरा केस कर देगा मेरे ऊपर। हम क्या किए भाई, हम तो ठीक है पढ़ा रहे हैं, ठीक पढ़ा रहे हैं ना। तो ये फार्मूला है, उसका वैल्यू कितना है? 21। 2 साल का फार्मूला का क्या है बोलो? 21। इसको लिखते हैं आर, यहाँ लिखते हैं आर स्क्वायर, ठीक है। ये है आर और ये है आर स्क्वायर। वैल्यू पुट करते हैं 2 साल वाला, 2%, यानी कि 2 का कितना हो जाएगा? 4। जब भी लिखते हैं डबल डिजिट लिखेंगे 0, 4 और 2 दूनी 4, इसके बाद एक डेसिमल होता है, ठीक ना। इसका वैल्यू कितना हो गया? 4.04%, ठीक है। इधर जब भी लिखना है 2 डिजिट, इधर लिखना है 2 डिजिट, हमने निकाला था 10 वाले का, तो 10 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा? 100। लिखना है 2 ये डिजिट, तो 1 इधर आ जाएगा, 10 दूनी 20 और 1 21, यही 21 लिख दिए थे वहां पर, ठीक है। सब कुछ समझ गया? फॉर्मूला क्या होता है? 21। फॉर्मूला क्या होता है? 21। फॉर्मूला क्या होता है? 21 वैल्यू कितना का है? 10 साल का। जो फॉर्मूला है ना वही 10 इयर्स का वैल्यू है, जो फॉर्मूला है वही क्या है? 10 इयर्स का वैल्यू है, याद रहेगा। तो चलो इस चारों का निकाल, पांचों का जल्दी दिखाओ कितना आ रहा वैल्यू। फॉर्मूला है 21, लिख लो कॉपी में ऊपर, जल्दी निकालो, कोई बोलेगा नहीं आंसर। 21 यहाँ है आर, यहाँ है आर स्क्वायर, तो जब 2 है तो यहाँ 2 का वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ 2 का, 2 दूनी 4, 2 डिजिट लिखना है, पॉइंट हो जाएगा 2 दूनी 4, ये परसेंटेज है। 3 का जब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर, 3 9, यहाँ क्या हो जाएगा? 3 दूनी 6। इसमें कौन दिमाग लग रहा है कि नहीं हो रहा था? तुम्हारा रोहित हो गया था, रोहित हो गया था। फिर 4 का क्या होगा? 1 सेकंड, रोहित बोलो 4 का वैल्यू क्या लिखा? 8.16। रोहित बोलेगा 8% का वैल्यू क्या होगा? खड़े हो जाओ, 8% का वैल्यू क्या होगा? फॉर्मूला लिखा हुआ है, बोलो। बोला ठीक, बैठ जाओ, तुम बोलो 9% का वैल्यू क्या होगा? 18.81, सही है, ठीक है। तुम बोलो 6 का वैल्यू क्या होगा? इसको बोल दो 6 का वैल्यू क्या होगा, 6% का? 7 का बोलो,
24 जीरो जीरो किसका पूछे तुमसे हम, 6 का बोले थे तो 66 36 और 6 दुनी 12.36 होगा। यहाँ देखो तुम्हारा एक भी समझी कि नहीं बात को, समझ गई? 5 का बोल दो, यहाँ से देख के बोलो कितना होगा, 10.25 सही है। यहाँ देखो अब चूंकि इससे बड़ा बड़ा फॉर्मूला बताना है 25 है, यहाँ लिखना है सिर्फ 2 डिजिट, ये R का मतलब हो गया 12, तो 12 का स्क्वायर 144 होता है, इधर लिखना है 2 डिजिट तो खाली यहाँ पर हम लिख दिए क्या, सिर्फ लिख दिए 44 और इधर क्या हो जाएगा 12 दुनी 24 और ये वाला 1 25, यानी क्या आंसर हो गया 25.44% है ये। समझ में आया? आ गया समझ में तुमको? आ गया है थोड़ा हंसना लगता है, मच्छर मार के आया है। समझ में आ गया कि समझ गया है? हमने बहुत कोशिश किया कि वैसे प्रत्येक व्यक्ति को खोजें जो नहीं समझा है, अब कोई धीरे से छिपा हुआ होगा तो हम क्या कर सकते हैं, अदरवाइज हम यहाँ से वहाँ तक पूरा कोशिश किए हैं, कोई छिपा हुआ नहीं रहे इसमें, सब कुछ समझ गया। देखो 3% का वैल्यू होता है 331, 3 साल का सॉरी, क्या होता है वैल्यू, क्या होता है 331, और करना क्या है यहाँ लिखना है R, यहाँ क्या लिखेंगे सबको समझ गया। चलो 5% का वैल्यू लिख के दिखाओ, हर बार लिखना है 2 ही डिजिट, याद रखना हर बार लिखना है 2 ही डिजिट, जैसे ही हम बोलना शुरू करते हैं तुम्हारा दोनों आंख मेरे आई बॉल पे आ जाना चाहिए। आ गया? हमको लग रहा है, हम गलत भी हो सकते हैं, मगर लग रहा है कि तुमको पहाड़ा वहाड़ा याद नहीं है कुछ लोगों को, तो अगर नहीं याद है तो आज कसम खा के सब काम छोड़ के पहले 20 तक का पहाड़ा याद कर लो। पहाड़ा मतलब टेबल, दो का दो, दो दूनी चार, दो तीन छः, दो चौका आठ, दो पाँच दस, दो छक्का 12, दो सत्तर 14, दो आठ 16, दो नौ 18, दो दहाई 20, हमको याद है, हम चेक कर रहे थे अपने आप को, ठीक है। इसी तरह तुम भी अपने आप को चेक कर लो कि 20 तक का टेबल याद है कि नहीं। वैसे मेरे तरफ से तुमको याद कितना करना है, 30 तक, जिसको दो ने बाद एग्जाम देना है उसको नहीं बोले हैं, उसको सिर्फ छोड़कर और लोगों को याद करना कहाँ तक, 30 तक, वो भी अगर याद करे कोई हर्जा नहीं है, मगर हम नहीं चाहते हैं कि सेट बनाना छोड़ के तुम लोगों को टेबल याद करना, सेट बन जाए सोते सोते थोड़ा टेबल दोहरा लोगे 30 तक का तो काम चल जाएगा, मगर हमारा होमवर्क कहाँ तक है, 20 तक का है। कहाँ तक तुमको पढ़ा याद है टेबल को तुम जानते हो, सुरेश ओबराय उनका बेटवा है, वो हीरो अभी है, का नाम उसका विवेक ओबराय, विवेक ओबराय के पिताजी, हम लोग के समय के हीरो थे वो, बहुत सुंदर उनका डायलॉग डिलीवरी है, बहुत सुंदर, उनका अपना कहा हुआ इंटरव्यू सुने हैं, वही बात बता रहे तुमको। उनको कहीं जब नौकरी नहीं लग रहा था, आवाज़ बहुत अच्छी थी, उनको पता लगा ना कि एक जगह फिल्म में डायलॉग के लिए मौका मिल रहा है तो चले गए। वो फिल्म क्या था, कोई चीज़ का प्रचार उचार था, बनता ना 2 मिनट 3 मिनट का फिल्म बनता है ना वो वाला, उनको दिया गया कि ठीक है आप फला चीज़ का प्रचार 8 सेकंड में करना है आपको, लाइन दे दिया 3 को, अगर हम उस लाइन को पढ़ते 3 लाइन को तो कम से कम लगता 30 सेकंड। बेचारा बहुत कोशिश किए, बहुत कोशिश किए कि पढ़ें उसको, बहुत कोशिश किए, बहुत बढ़िया से बोले तो उनको लगा 16 सेकंड, बोला कि नो यू हैव टू कंप्लीट इट विद इन 8 सेकंड, जाइए आप कल फिर कोशिश कीजिएगा। अब वो सोच रहे थे कि इतना लंबा लाइन 8 सेकंड में कोई कैसे बोलेगा, और भी एकदम क्लियर आना चाहिए आवाज़, ये नहीं 60 ऐसा नहीं, मैंने तुम्हारा हर बात क्लियर सुनाई देना चाहिए। तो विवेक ओबराय ने कहा कि मैं जब से वहाँ से गया अगले दिन आने के पहले तक कम से कम 1000 बार उस लाइन को बोला, और फिर उन्होंने कंप्लीट कर दिया उस लाइन को 8 सेकंड में। बस मैं आया बजाओ ताली एक बार। उसी तरह अगर तुम सोचोगे ना सर जी कर लेंगे तो किसी से नहीं होगा, उसका करना पड़ेगा प्रैक्टिस, नहीं तो 20 तक का पढ़ा याद करो कल ही भुला जाओगे, 30 तक याद करोगे तो आज ही भुला जाओगे, करना पड़ेगा प्रैक्टिस। अगर तुमको टेबल याद है 20 तक, स्क्वायर याद करना है 50 तक,
स्क्वायर मतलब दो का स्क्वायर, चार, तीन का स्क्वायर, चार का स्क्वायर, पांच का, छह का, सात, आठ, नौ, दस, सबको याद था? ठीक है, दस तक याद मत करना। ग्यारह से याद है? ग्यारह का तू याद है? कब का है? जब जब कुछ पूछ रहा। अरे झूठ मत बोलो यार, ये कंपटीशन है। जिस दिन तुम इसको फेस करोगे ना, अकेले रहोगे बेटा, और कोई साथ में नहीं रहेगा, ना माँ रहेगी, ना बाप रहेगा, ना हम रहेंगे, कोई नहीं रहेगा, ना कोई तुम्हारा फ्रेंड रहेगा, उस दिन तुमको अकेले रहना पड़ेगा। तो खुद जानना है, झूठों का मुंह चलाओ। जो सबके बोलता है तो हमारा कहा जा रहा, हम भी 26 का, 27 का, पतला का सब चुप हो गया, खाली मुंह मिल रहा, ठीक ना। तो अगर नहीं याद है तो कोई बात नहीं, आज कोशिश करो कि 25 तक का स्क्वायर याद कर ले लिखकर, कल 50 तक का स्क्वायर याद कर लो। ये बेसिक चीज आएगा, उसके बाद ही कुछ होगा भाई। इसके बाद क्यों भी याद करना है, क्यों मतलब किसी चीज को अगर मानते पूछते हैं 5 का क्यू, तो 5 को लिखना पड़ेगा 3 बार, ठीक है। 4 का क्यू, मैडम बाहर बैठी है, 4 का क्यू माने 4 को लिखना पड़ेगा 3 बार, क्यों समझ गया। अगर लिखते हैं हम 5 पर 4, इसका मतलब क्या हुआ, 5 को लिखना पड़ेगा 4 बार, ठीक है। तो अभी जो हम लोगों ने बात पूछा है तुमसे, क्या पूछे थे, 5% का निकालना था ना, 5% का निकालना था। तो 5 का क्यूब होता है 125, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 25, चूंकि बोले हैं दो डिजिट लिखने के लिए, एक इन हैंड हो गया। 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25, ठीक है। तो 25 तिया 75, एक उधर था, 5 तियाई यानी कि 15.7525% आंसर हुआ, ठीक है। सब कोई समझा, ठीक समझ गया। 10 का निकाल के दिखाओ इसका, देखो करीब करीब लोग बना लिया और कुछ लोगों से नहीं बना, तो बनाई बेटा, साल भर लगाएगी उसी में क्या। जिसको भी देर लग रहा है बनाने में बोले एक बार, बोलते रहो दो तीन बार और, वो बॉडमास नहीं बना रहा है, क्लियर बात है, समझ गया ना। बॉडमास बनाएगा इतना देर लगेगा ही नहीं, दिमागे खुल जाएगा, सारा काम तो ब्रेन से हो रहा है ना। अब ब्रेन टॉनिक कहाँ है, ब्रेन टॉनिक बॉडमास का नाम रखे हैं बुक का, क्या ब्रेन टॉनिक, उसको पियो ताकि दिमाग खुल जाए। जितने लोग नहीं बना पाए अभी हम यहाँ से घूमे हैं, जिसका कल एडमिशन हुआ उसका माफ़ है, जिसका 10 दिन हो गया, 1 हफ्ता हो गया, एक कन्फर्म है कि 1 हफ्ता में वो 6 सेट बॉडमास नहीं बनाया है। 6 सेट मतलब सेट नंबर 1 3 बार, 2 3 बार, 4 3 बार, 5 3 बार, 6 3 बार। अगर तुम्हारा 7 दिन हो गया तो मेरा राइट बनता है कि तुमसे हम कॉपी देखें, तुम सेट नंबर 1 कहाँ बनाए हो 3 बार, सेट नंबर 2 कहाँ बनाए हो 3 बार, सेट नंबर 3 कहाँ बनाए हो 3 बार। शुरू कर दिया ना, कट बनाया, पहला 3 बार हो गया। नए बच्चे ध्यान देंगे, मेन चीज वही है, ये सब कुछ नहीं है बेटा, ये तो हम चाहेंगे ना। अभी 1 घंटा से क्लास में हम बकबक कर रहे हैं, जितना बात अभी तक बोले हैं पहला क्वेश्चन हटा नहीं वहां से, 45 क्वेश्चन है, 45 क्वेश्चन एक्सप्लेन करने में हमको मैक्सिमम लगेगा आधा घंटा, मैक्सिमम है वो। सारा ट्रिक से बोलेंगे तो ऐसे कर करके आंसर होते जाएगा, मगर तुमको बेसिक आएगा उसके बाद ही कुछ होगा। पढ़ाना मेरा टारगेट नहीं है, टारगेट ये है कि तुमको समझ में आ जाए, क्योंकि जिस दिन तुमको जॉब लग जाएगा ना, राजा हो जाओगे राजा, और मेरा वही सपना है, ठीक है। देखते हैं एक बार, 5 का क्या बोलते, 10 बोलते ना, 10 का क्यूब क्या होता है, 1000, लिखना है सिर्फ 20, तो यहाँ ले लिए 20, इन हैंड कितना आ गया 10, इसका स्क्वायर कितना होता है 100, 10 का स्क्वायर 100, 100 तिहाई 300, और 10 इन हैंड में है 310, लिखना कितना है 2 डिजिट 10 लिखना है, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, लिखना कितना है 10, 3 आएगा इन हैंड में, यहाँ लिख दिए 10, इधर आ गया 15, कहाँ से आ गया, और पहले वाला था, पहले वाला, ठीक है। तो कितना हो गया, 10 तिहाई 30, 30 और 3 33, यहाँ लिखना कितना है 33 लिखना, तो आंसर क्या हो गया
जैसे यहाँ पॉइंट दे दिए सब बात खत्म हो गया, तो आंसर हो गया 33.1। और फॉर्मूला तो वही था 331, पहले ही बोल दिए थे। गलती हो जाता है गाल पे हाथ, कोई बात नहीं, हटा लो उसको, है ना, तुम्हारा सब गलती माफ है, खाली ईमानदारी से पढ़ो। और एक बात और, कसम खा लो मेरे सामने, बोलो हम कसम खाते हैं, इसके बाद मन में खाना, ठीक है ना, हम कसम खाते हैं बोल दिया, या कॉन्सेंट्रेशन नहीं हो रहा है, या नया नया क्लास में आए हो, या जूनियर बच्चे है, उसको आगे बैठना है, ठीक है। ये अगर लास्ट बच्चे बैठेगा ना, इसको पूरा 100% सुनाई देगा कि हम क्या बोल रहे हैं। जिसको नहीं आता है ना, वही नहीं समझ पाता है कि क्या सर बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये तो क्लियर हो गया ना। एक बोल देते हैं, 4 साल का मानता कहता कि 12,000 रुपया का वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष में क्या हो जाएगा इंटरेस्ट, तो इसका फॉर्मूला क्या होता, किसको याद है? 46-41 क्या होता है? मतलब यहाँ लिखेंगे हम लोग आर, यहाँ लिखेंगे क्या, यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, ठीक है। 10 साल का निकाल देते हैं वैल्यू, 10 को 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10,000 आ गया। लिखना क्या को है, लिख दिए। फिर 10 का क्यूब 1,000, 4,000, यहाँ है 100, तो कितना आ जाएगा, 4,100। लिखना क्या को है, कितना आएगा, 100। इन हैंड में आ रहा है सर। फिर कितना यहाँ है, आर स्क्वायर कितना हो गया, 100, 100 छक्का 641। इन हैंड कितना आ गया, 6। अब 10 चौका 40, इन हैंड कितना है, 46। देखो 4641 इज द आंसर, क्लियर हो गया। फिर गाल पे हाथ रख दी, तुम नहीं रखी है इसलिए तो बोले हैं, ठीक ना, जो रखता है उसको नहीं बोलते, घुसा जाएगा वो, बाबर हमें को बोलते हैं। 2 घंटे चला के आएंगे, किसी कुछ नहीं बोलेंगे, उधर टेढ़ा आया, अपना काम करें, हमको और काम है कि झड़क करना से काम मेरा, वही मेरा ड्राइवर, तो माँ का दूध पिया हमने पिए हैं क्या, भिड़ जाएगा उससे। ये सब छोटे लोगों का पहचान है, बड़ा आदमी फुर्सत झड़ा करने का, उसको अगर हम गाड़ी में क्या बोलेंगे, और नहीं सर देख लेंगे इसको, ये देखने वाला काम कौन करता है जो कुछ देखने के लायक नहीं है। आर यू गेटिंग ए पॉइंट, देखने वाला काम कौन करता है जो कुछ देखने के लायक नहीं है। अदरवाइज तुम देखोगे ना, छोटी बस्ती रहेगी ना, रोजे झगड़ा होगा, सुबह से स्टार्ट हो जाएगा, शाम तक झगड़ा होगा, लेकिन बड़ा बड़ा पॉश एरिया में चूँ आवाज नहीं आएगा, साइलेंट जोन है, कहे वहाँ बच्चे नहीं है क्या, जाके पूछो कहे झगड़ा हो गया बहन जी, तो बताएगी नहीं मेरा बेटा को मार दिया है, हैं माँ का दूध पिया हम लोग ऐसी है क्या। और वहाँ पर भी पॉश एरिया में किसी के बच्चे को दूसरा बच्चा मार दिया, तो लोग क्या बोले, अच्छा कोई बात नहीं, बच्चे ऐसा करते हैं बहन जी, समझ गया ना। अच्छा छोटका का बच्चा कोई अगर मार दिया, छोटका मतलब ओहदा में छोटा, छोटका का बच्चा अगर कोई मार दिया ना, मेरा बेटा को मार देगा, देख लेंगे इसको, आज तक सवेरे कैसे खाना खाएगा ही नहीं देखा, कि सवेरे बचवा कहाँ खाएगा ही नहीं देखा है, मगर उसको जरूर देख लेगा। तो देखने उखने का तुम लोग को नहीं करना है, सब लोग हम दिखा लेंगे, कैसे दिखाएंगे, हमें मेरा ही गलती है, कोई बात नहीं, मेरा ही गलती है, यही कर करके हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, समझ गया ना। झगड़ा करने का तुम्हारे पास टाइम नहीं है, किसी को कमेंट करने का तुम्हारे पास टाइम नहीं है, क्योंकि तुमको बहुत काम है। जो 20 बार लिखे थे ना बॉडमास बनाने के लिए, 2 बार बोले क्वांटिटी साइड बनाने के लिए, 2 बार बोले रजनी बनाने के लिए, 1 बार बोले कौन बुक डेटा बनाने के लिए, इतना बनाने में ना बेटा नानी दादी सब याद आ जाएगी, लेकिन इतना मजा आएगा ना, एक बार अगर कोई बना लिया 1 साल के अंदर, तो हम समझ जाते हैं कि अगले 3 साल के अंदर इसको 1 लाख से ऊपर सैलरी मिलने वाली है। फायदा देखो उसका, ये मत देखो कि यही बनाए, तुमने जैसे ही इसको बनाया हम क्या देख रहे हैं ये देखो। सेकंड साल भी अगर हिस्ट्री को रिपीट कर दिया, इसको थोड़ा कम करेंगे हम लोग, सेकंड साल इसको बढ़ाएंगे, ये चलेगा 2 बार 3 बार 5 बार, बॉडमास तो जीवन भर चलता रहेगा। सेकंड साल भी अगर कंप्लीट कर दिया,
तब तो उसके पिताजी को बुला बुला के हम बोल देते हैं, बेटा बेटी आपका अफसर हो चुका है, खाली रिजल्ट आना बाकी है। ऐसा हुआ, ऐसा हो रहा है। बड़े लोगों का वही तरीका है, ये बहुत आसान है, मगर जिसका मेंटलिटी छोटा होगा ना वो इसको नहीं कर पाएगा। अब बोलेगा सर जी मोबाइल तो कब देखेंगे, यही करेंगे तो खेलेंगे कब, 20 तक का तुमको टेबल नहीं याद होगा, 50 तक का तुमको स्क्वायर नहीं याद होगा, 15 तक का तुमको क्यूब याद नहीं होगा, ये सब याद कर लो, ये सब बेसिक के बेसिक है, ये याद करने के बाद ही क्लास में बैठते हैं। ठीक है, मान लो आज याद किया तो ये 25 तक याद हुआ, ये 10 तक याद हुआ, ये 15 तक याद हुआ, इतना काम चलेगा। बोर्ड मास्क तो बना ही रहे ना, पहला सेट 3 बार, कल बनाएंगे दूसरा सेट 3 बार, परसों तीसरा सेट 3 बार, इसका मान लो हो गया है 15 दिन, तो आज ये बना रही होगी 16वां सेट 3 बार, इसका 20 दिन हो गया आए हुए, ये बना रही होगी 21वां सेट 3 बार, इसका मान लो 25 दिन हो गया, ये बना रहा होगा आज 25वां सेट 3 बार। बस मैं लास्ट ईयर तक रखे थे 5 बार का नियम, अभी 3 कर दिए हैं, समझ गया। जब 3 बार हो जाए, ख़त्म हो जाए, अब आगे पढ़ते रहो और तब डेली एक एक सेट बनाते रहो, छोड़ना नहीं उसको भी, साल भर में कम से कम 20 बनाना है, छोड़ना नहीं उसको। ब्रेन टॉनिक है, उसके लिए हमारा फॉर्मूला है 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम, मैंने 1 सेट सुबह 1 सेट शाम, और 3 बार बना लोगे तो सेट नंबर 1 बनाने में मैक्सिमम लगेगा 15-20 मिनट, जिन लोग लगता है 10 मिनट, तुमको लग रहा है 2 घंटा, तो डरो मत, 3 बार बोले 4 बना लो उसी को, वो आएगा उसके बाद में कुछ होगा। अब एक लड़की कह रही थी कल या परसों पता नहीं याद नहीं है कि सर दिन भर तो आपका हम बोर्ड मास से बात रह जाते हैं। मन में हम सोचे मेरा बना रही है ला, मेरा बना रही है, अरे यार तू अपना भविष्य बना रही हो, जो तुम बोर्ड मास बना रहे हो ना अपना भविष्य बना रहे हो, मेरा नहीं कुछ बना रहे हो। अगर तुमको देर लग रहा है, मान लेते हैं कि बोर्ड मास का सेट नंबर 1 में तुमको लग जा रहा है 2 घंटा, चलो ठीक है, इस डाटा में लगेगा तुमको कितना देर लगता है सेट नंबर 1 बनाने में, 15 मिनट, ठीक है। मगर मान लेते हैं कि लड़की नहीं आई है, इसको लग गया 2 घंटा, कोई बात नहीं, 2 घंटा लगा तो इतना तो कम से कम सोच सकते हो ना कि अरे हम थोड़ा ऑन एवरेज से थोड़ा वीक हैं, हमको ज़्यादा करना है, इतना तो समझना जाएगा ना कि नहीं नहीं ये नहीं करेंगे वो काम कर लेंगे, तुमसे यही नहीं तो काम होगा। सोच के देखो, सोच के देखो, तुमसे अगर जोड़ घटाओ गुना भाग नहीं हो रहा है, अगर तुमको 5 घंटा अगर लग गया सेट नंबर 1 बनाने में 3 बार, इसका मतलब है कि कल भी तुमको सेट नंबर 1 बनाना है 3 बार, आगे पढ़ता करोगे, ब्रेन बहुत स्लो है, बहुत दिन से तुमने इसका उपयोग नहीं किया है। राजेंद्र प्रसाद नाम तुमको एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा है, मगर बहुत ऐसे महापुरुष हैं जिनकी मदर किसी किसी घर में जाकर काम करती थी, तुम भी कहानी सुने होगे, सुना है कि नहीं ऐसा कहानी। तो क्या बेटा देखता है ध्यान से, मेरी माँ जा रही है चूल्हा जलाने, मेरी माँ जा रही है बर्तन साफ करने, देखना है उसको, और अंदर से कसम खाना है अंदर से कि माँ तेरे लिए पढ़ाई करेंगे, अलग से तुमको हम नौकर प्रोवाइड करेंगे, तब तुम माँ का सही बेटी है, तुम माँ का सही बेटा है, चल दिए काम करने कहीं पर 5,000 में 7,000 में, क्या होगा उससे। एक बार रांची जाते हैं ना, कहीं जाते हैं बेटा 10-20 हजार से ज्यादा खर्चा हो जाता है, महीना में कम से कम 3-4 बार तो कहीं ना कहीं जाते ही हैं, तुम्हारे कोचिंग का खर्चा मिनिमम 175 लाख है मिनिमम, समझ आया। तुम 5,000 में खुश है, 10,000 में खुश है, 17,000 में खुश है, 27 में खुश है, क्यों खुश है भाई, भगवान तुमको पैदा किया है राजा बनाने के लिए, तुम भिखारी बनकर खुश है काहे, कैसे बनेंगे राजा, तरीका तो बता रहे हैं ना, तरीका बता रहे हैं ना, जो पहला सेट को 5 घंटे में बनाया उसको भी छोड़ने नहीं बोले हैं, बोले हैं बेटा सब लोग बनाएगा 25 दिन में, तुम बनाओगे कई दिन में, तो 50 दिन में, तुम बनाओगे 60 दिन में, तुम बनाएगा 70 दिन में, मगर 70 दिन के बाद कोई माई कलाल पंजा नहीं लड़ा पाएगा बोर्ड मास में हमसे, बोर्ड मास लाइन वाइन याद है हमको, अब क्या तब ना मजा आएगा, और वो याद हो इसे तो बच्चा की चीज़ है, तुमसे क्यों नहीं इसको बोल रहा है, क्यों नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि तुमको बोर्ड मास नहीं आता है, अदरवाइज देखते के साथ है, ऐसे बहुत बच्चे यहाँ बैठे होंगे देखते के साथ सॉल्व कर दिए होंगे, हाँ कि ना, कौन कौन ऐसा था जो इसको देखते के साथ सॉल्व कर दिया था, देखो हाँ देख लो, देख लो, बहुत लोग हैं। तुमको अगर देर हो रहा है तो तुम्हारी कोई कमजोरी नहीं है, तुमको बड़मास नहीं पता है, मतलब जो उड़ाओ गुना भाग बहुत फास्ट नहीं कर पा रहे हो, तुमको पहाड़ नहीं याद है, तुमको टेबल नहीं याद है, या स्क्वायर नहीं याद है, क्यों नहीं याद है, इसमें दिक्कत हो रहा है, सीख लो, कल से दिक्कत खत्म हो जाएगा,
परसों तक कसम खाए सीखेंगे भी नहीं, ऐसे राजा हो जाएंगे, पक्का भिखारी भी नहीं हो पाएगा वैसे तो। भीख मांगने के लिए अगर टेक्निक चाहिए बहुत सा, सबको भी मिलता है का? पैर ठीक है लेकिन पैर को छुपा लिया, लपेट लिया और तब ऐसा करता तब कुछ मिल जाता है। सीधा पैर जाएगा तब भीख मिलेगा। तो भीख मांगने का भी टेक्निक डेवलप कर गया है, तो राजा बनने का तो अलग टेक्निक है। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। स्टार्ट किया, बहुत टाइम लगा दिए इसमें। चार्ट यहाँ बना हुआ है, ये तुम्हारे क्वांट की साइड में यही चार्ट दिया हुआ है, सारा बेटा वैल्यू यहाँ लिखा हुआ है। चार्ट को मत देखना, रफ में आज करना ये काम। रफ में लिखना 2% वैल्यू लिखना, वैल्यू लिखना, वैल्यू लिखना, वैल्यू लिखना, ठीक है, तीन बार लिखना और वैल्यू लिखना। देखो 10% का वैल्यू वही होता है जो हम लोग का ट्रिक है, ठीक है। और जब भी आता है एग्जाम में क्वेश्चन SSC या CGL में या बैंक में, तो यही 10 वाला ही मैक्सिमम रहता है और 12 वाला, इसलिए हम 12 का भी आज पूछ लिए तुमसे। मगर तुमको अगर तरीका जान जाओ 13-15 कोई निकाल देंगे हम। क्या है जिसको 15 तक का क्यूब याद है वो तो R4 भी निकाल देगा, ये भी निकाल देगा। मान लो कि हमको 15 का क्यूब नहीं याद है, ठीक है, हमको मान लो 5 का क्यूब खाली याद है, तो 5 का क्यूब कितना होता है 125। चार बार लिखना है तो 5 से गुणा कर दो तो हो जाएगा 625, ठीक है ना। तो इस चार्ट को एक बार करके देखना, ठीक है। तो जो 12,000 का क्वेश्चन था और था कितना 10%, तो यहाँ खाली 12,000 से गुना कर देते तो आ जाता आंसर। क्या आएगा इसमें CI? क्या चार्ट किसका है? CI का चार्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट का। एक क्वेश्चन वहाँ पर है, अगला क्वेश्चन 15 नंबर सेम क्वेश्चन है। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है देखो, 1.5 साल के लिए है, समझाया थे तुमको 1.5 साल, 6-6-6 यानी कि 3 बार हो गया, 6-6-6 1.5 साल मतलब 3 बार हो गया, 6 महीना तो हो गया, ये 3 साल हो गया। कैसे बनाएंगे हम लोग इसको? 3 साल वाले तरीके से बनाएंगे। और इंटरेस्ट कितना है? 5%। अभी जस्ट निकाले थे हम लोग, कितना आया था? 15.76। इतना ही रहने दो, 25 नहीं लिखे तो काम चल जाएगा। और क्या करना है? 4,000 में गुना कर देना, मतलब ये तो यादें हैं, 4×6=24, 4×7=28, 2×9 था, 4×5=20, 22, 4×4=2, 6, देखो कौन ना ला गया, 620। कौन ला आंसर है? ये वाला 3 कर दो तो ये वाला होगी। देखते रहना है, लिखते लिखते कभी कुछ उल्टा दिखा गया तो आंसर नहीं मिलेगा। मतलब मेरा ही सारा क्या है, गुना करना मेरा टारगेट नहीं था, मैं टारगेट ये तुमको ये दिखाना कि अगर तुमको वो चार्ट अगर याद है तो खट से हो रहा है, और बार बार चार्ट पढ़ेंगे तो धीरे धीरे याद भी होने लगेगा, उतना गुना नहीं करना पड़ेगा। और तुमको तो 21, 331 और 4641 तो याद हो गया है, अभी याद हो गया होगा। पूछ लें 2 साल का वैल्यू कितना होता है? 21 बोलना है। 2 साल का वैल्यू? 3 साल का? 4 साल का? 4641। असम में R, R² R³, R4 ये लेना है। हो गया क्वेश्चन? दो क्वेश्चन खाली और कर देते हैं, 11 बजे के थोड़ा सा बर्दाश्त कर लो, ताकि उतना सिखाए हैं तो सब कुछ यूज तो हो जाए। देखो कितना डिफिकल्ट यूज हो रहा है यहाँ पर, कितना बड़ा क्वेश्चन वही है ना, हाँ कितना टेढ़ा क्वेश्चन स्क्रीन पे है, मगर हम लोग खाली देखते आंसर बोल सकते हैं। और हम ट्रिक पे चल रहे हैं, तुम्हारी इसको ना ली बोलो क्या होगा आंसर? अभी बनाई थी, बना के आई थी, हाँ ठीक है, वो तुम्हारा लाइक क्वेश्चन था ये वाला। अच्छा क्वेश्चन है, 8% वार्षिक ब्याज की दर से किस धन का 2 वर्ष में इतना हो जाएगा? तो 8% का 2 वर्ष वैल्यू क्या होता है? ये होता वैल्यू चक्रवृद्धि ब्याज इतना होगा। ये क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज है। एक हजार ना, हाँ ठीक तो है। देखा कैसे आया आंसर, मजा आया कि नहीं आया? इसी के लिए उतना देर से पापड़ बेल रहे थे, और हमको पूरा विश्वास है कि 80% लोगों को तो बुझाइए दिया होगा, एक आदमी अभी भी होशियार हो जो धीरे से नहीं समझ के एंजॉय कर रहा होगा। ऐसे कैसे लिख दिए? तो बढ़वा से लिखे, हाँ लिखे ऐसे का है डाउट होगा, ठीक से लिखते हैं।
चार्ट से हम लोग देख लिए कि दो गज पहले कितना होता है, तो पी था मूलधन, मूलधन का अच्छा हम क्या निकालना है, ऐसा निकालना जो भी हो, मूलधन का 16.64% इक्वल टू, ये तो खाली ब्याज है ना, तो मूलधन मत लिखो यहाँ पर, ब्याज कर दो, हम तो काट सकते हो ना, काटो को तो ये आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है, इसी तो रोके हुए थे उसको। यहाँ पर क्या है, सुरेश की राशि दो वर्ष के लिए दिया 8% पे, मतलब 6.64 ब्याज तो यही होगा, ये ब्याज है, और अमाउंट कितना होगा 116.64, 100 जोड़ देंगे, अमाउंट 100 होता है ना, तो 100 जोड़ देंगे 116.64 हो जाएगा, हो जाएगा ना 116.64 हो जाएगा ना, हाँ बोलो, हो जाएगा ना रोहित, हो जाएगा, नहीं हो रहा तेरा पकड़ लिए ठोकना, इस पर नहीं हो रहा है। अरे भाई दुनिया का सब कुछ होता है 100% और ये कितना है 8%, तो होगा कितना 108%, तो परसेंट तो लिख दिया गया, खाली ब्याज है बचा का जी 100 अगर इसमें जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा, ठीक है ना, दो साल का था, नहीं तो फिर लिखते कैसे 108 × 108, थोड़ा नहीं बेटा पढ़ के नहीं आएगा तो बहुत दिक्कत होता है पढ़ाने में भी, जो चीज़ पढ़ाना है वो तुमको पढ़ के आना है क्वांटम साइड से, बुक से, कि सर यही यही बात पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, सुरेश को एक राशि दो वर्ष के अंत में इतना पर इतना रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज मिला, चक्रवृद्धि ब्याज है, तो क्या लिखेंगे हम लोग 1414.4 बटा में 64.64 गुना 100, क्या निकलेगा इसमें मूलधन, क्या निकलेगा इसमें मूलधन, जब काटेंगे तो क्या निकलेगा पी। पूछ कह रहा है सुरेश को दो वर्ष बाद मूलधन और ब्याज के रूप में कितने रकम की वापसी होगी, हाँ क्या करेंगे यहाँ देखना, ये क्या निकला है पी, ये क्या निकला है पी, दो साल का ब्याज होता है 16.64 दो साल का, और अमाउंट कितना होता है 116.64, तो ये अमाउंट है, क्या है सॉरी पी है ना, ये पी है, तो पी में खाली अमाउंट से गुना कर दो, सीधे आ जाएगा आंसर, कुछ नहीं करना पड़ेगा, जोड़ जाड़ कुछ नहीं करना, स्टेप समझा कि नहीं, इतना परसेंट का वैल्यू ये है तो निकल जाएगा मूलधन, लिखेंगे पी का इतना इक्वल टू इतना, तो क्या निकल जाएगा हमारा मूलधन। पिछले क्वेश्चन क्या निकालना था, किस दर तो वहां पी ही निकालना था यार, तो पी ही है ठीक था, और बाद में आ रहा है वहां तो एक्स का कर दी थी, मूलधन का ही, मूलधन का इतना परसेंट इक्वल टू इतना था, तो क्या निकल गया हमारा पी निकल गया। यहां पर भी इतना निकाले तो पी निकला, अमाउंट पूछा है तो इस पूरे का 108% दोबारा किया है 116.64, ठीक है निकाल लेगा इसको, निकाल कर देख भी लेना, कोई धन किसी को ब्याज दर से 5 वर्ष में दुगुना रहता है, ये तो अलग हो अलग चीज हो गया। अब करेंगे अगले साल, अगले साल नहीं सॉरी अगले क्लास में हम लोग।